गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एज यू ऑल नो दैट वी आर लर्निंग अबाउट द प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन यस टे आई ऑलरेडी सेड यू दैट प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द प्रॉपर और पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग किसी भी इंसान किसी भी चीज़ का किसी भी जगह का अगर हम पर्टिकुलर नाम बताते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है और अगर किसी जगह का हम प्रॉपर नाम नहीं बताते हैं लाइक दिस ऑनली वी आर टेलिंग दैट पार्क स्कूल हॉस्पिटल उसका नाम नहीं बताते स्कूल का नाम नहीं बताते हॉस्पिटल का नाम नहीं बताते तो वो क्या हो जाता है कॉमन नाउन हो जाता है ओके okay? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे इस एक्सरसाइज में बताया गया है डू यू नो दीज कार्टून करेक्टर्स राइट देअर स्पेशल नेम्स अब ये जो कार्टून करेक्टर्स दिए हैं इनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं सो वी आर गोइंग टू राइट देयर नेम्स ओके अगर हम ऐसे बोल देंगे कार्टून तो इट कैन बी एनी कार्टून यहाँ पर हम उनके पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं जैसे ये पहला कार्टून कौन सा है डोरेमोन ओके सो वील राइट है डोरेमोन ये छोटा भीम है हम इसको छोटे भीम के नाम से जानते हैं दिस वन इज डोनाल्ड डक तो इसको हम डोनाल्ड डक के नाम से जानते हैं ओके चिल्ड्रन नाउ डाउन मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर काम नाउन्स अभी हमें नीचे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दिए हैं उन्हें हमें मैच करना है ठीक है कॉमन नाउन ने हमें बताया है कंट्री इट कैन बी एनी कंट्री लेकिन प्रॉपर नाउन में उस कंट्री का नाम बताया गया है जापान सिटी इट कैन बी एनी सिटी बट प्रॉपर नाउन में हमें सिटी का नाम बताया गया है मुंबई नेक्स्ट इज फेस्टिवल फेस्टिवल मीन कॉमन नाउन में इट कैन बी एनी फेस्टिवल कोई भी त्यौहार हो सकता है लेकिन अगर इसका नाम बता दिया तो वो बन गया प्रॉपर नाउन ऑनम उसके बाद में ट्रेन ट्रेन तो कोई भी हो सकती है है ना कोई भी ट्रेन हो सकती है लेकिन अगर हम ट्रेन का नाम यहाँ पर बता रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेन है मोनूमेंट मोनूमेंट क्या हो गए हमारे ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं जो हमारे होती हैं बिल्डिंग्स वगैरह उनको क्या बोलते हैं मोनूमेंट्स बोलते हैं जैसे यहाँ पर कोई भी मोनूमेंट हो सकता है ताजमहल हो गया हवा महल हो गया कुतुब मीनार हो गया लेकिन जब हम उसका नाम बता रहे हैं हवा महल बता रहे हैं तो एक पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है टुथपेस्ट टुथपेस्ट कोई भी हो सकता है हर कोई अपना अपना पसंद का यूज़ करता है तो अगर हम उस टूथपेस्ट का नाम बताते हैं जैसे कॉलगेट तो कॉलगेट क्या है एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है ठीक है ना डाउन लुक एट द पिक्चर्स एंड सॉल्व द रिडल्स दे हैव गिवन अस सम रिडल्स वी हैव टू सॉल्व द पिक्चर एंड सॉल्व द रिडल्स फर्स्ट आई एम ऑल्सो नोन एज बापू माई नेम इज हु इज ही हम उनको बापू के नाम से भी जानते हैं कौन है ये महात्मा गांधी वैसे तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है लेकिन हम खाली महात्मा गांधी लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट वन इज आई एम अ कार्टून करैक्टर आई एम अ सेलर आई लाइक पीनेच माई नेम इज़ मैं कार्टून करेक्टर हूँ मैं सेलर हूँ मुझे स्पिनच खाना अच्छा लगता है मैं कौन सा कार्टून हूँ पपाया द सेलर ओके नेक्स्ट वन इज़ आई एम अ फेमस फिल्म एक्टर यू हैव सीन माई माय फिल्म भूतनाथ माय नेम इज़ हु इज़ दिस अमिताभ बच्चन ओके नेक्स्ट इज़ आई एम अ फेमस मोनूमेंट आई आई एम मेड ऑफ वाइट मार्बल माई नेम इज ये कौन सी जगह है ताजमहल वेरी गुड ओके टर्न द पेज चिल्ड्रन इन दिस पेज फाइंड द स्पेशल नेम्स इन दिस ग्रिड दे हैव गिवन अस वन ग्रिड इन दैट ग्रिड वी हैव टू सर्च द स्पेशल नेम्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ ऑफ़ आ सिटी इन रशिया रशिया में एक सिटी का नाम है वो क्या है मास्को ओके नेक्स्ट इज द नेम ऑफ अ होली सिटी इन इंडिया इंडिया में एक होली सिटी का नाम बताना है वो है हरिद्वार ठीक है नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ अ रिवर यहाँ पर है यमुना ओके नेक्स्ट इज नेम ऑफ अ मंथ हियर इट इज़ अप्रिल नेक्स्ट इज नेम ऑफ अ डे दिस वन सैटरडे ओके नेम ऑफ़ अ फेस्टिवल हियर क्रिसमस ओके क्रिसमस को सर्कल करिए नेम ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया की एक स्टेट का बारे में बताना है वो है केरला ओके नेक्स्ट नेम ऑफ अ होली बुक एक होली बुक का नाम बताना है दैट इज बाइबल ओके यू हैव टू सॉल दिस कंप्लीट दिस वर्क एंड सेंडे टू मई चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रेन बाई है नाइस्टे